नमस्ते एंड वेलकम टू कारज ब्लॉग। सो आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं बनेरघट्टा नेशनल पार्क और इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन। तो आइए चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम नाइस रोड। सो वी स्टार्टेड एट अराउंड 12:30 PM फ्रॉम आर हाउस। सो अगर आप नाइस रोड के आसपास रहते हो ना, तो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो गया, तो आप आराम से नाइस रोड ले लो। थोड़ा टॉल लगता है बट आप पहुंच बहुत जल्दी जाते हो बिना ट्रैफिक के। सो हम पार्क में एंटर कर रहे हैं और ये मेन एंट्रेंस है और ये रहा पार्किंग, और ये पार्किंग के चार्जेस जो आपको पे करने होते हैं। काफ़ी बड़ी सी स्पेस है पार्किंग की। यहाँ पे डेडिकेटेड बस स्टैंड भी है इन केस आप बस से ट्रैवल करना चाहते हो। 365 नंबर की बस आपको केम्बेगौड़ा बस स्टैंड से मिल जाएगी यहाँ आने के लिए। सो आ चुके हैं हम टिकट काउंटर के पास। आइए चलिए आपको कुछ इनसाइट्स देती हूँ कि टिकट के चार्जेस और प्राइसिंग कैसी है। सो हमें यहाँ आके मालूम पड़ा कि इस बार यहाँ से एसी बस सफारी भी है, तो हमने उसी ऑप्शन को सेलेक्ट किया। कुछ 1900 हमने पे करे हैं फॉर जू बटरफ्लाई पार्क एंड एसी सफारी, है ना। सो हम लोग एसी बस सफारी वेटिंग एरिया की तरफ आ चुके हैं और थोड़ा देर वेट करेंगे। काफ़ी नीट क्लीन वेल मेंटेन्ड लग रहा है ये जगह, और वेट करके फिर जब हमारी टर्न आएगी तो हम अपने सफारी बस को बोर्ड करेंगे। सो ये हमारी बस है जिसको हम बोर्ड करने वाले हैं, है ना, और कुछ ऐसा है, छोटू की बस है। सो आइए चलिए मैं क्विकली कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ, आप वाइल्ड लाइफ का मजा उठाओ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ जीप सफारी का भी ऑप्शन अवेलेबल है इन केस यू वांट टू ऑप्ट टू, और आपको एसी बसेस अब मिलने लगी हैं, और ये सारी की चार्जेस आपको शुरुआत में ही वीडियो का देखने को मिल जाएगा, है ना। टिकट काउंटर के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड रहता है ना, वो मैंने लेकर प्रॉपर स्नैपशॉट शेयर कर दिया है। हम बियर सफारी में अब एंटर कर रहे हैं और देखते हैं कितने बियर हमें दिखते हैं, है ना। सो ऑल्सो 9:30 to 5 नॉर्मली ये पार्क बनेरघट्टा नेशनल पार्क के ओपन रहने का टाइमिंग्स है, और अगर आप सफारी के लिए ऑप्ट करना चाहते हो तो उसका स्पेसिफिक टाइमिंग है 10 AM to 4:30 PM। अगर आप इसके थोड़ा लेट आओगे या पहले आओगे तो आपको टिकट्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद मतलब बंद हो जाता है काउंटर 4:30 PM के बाद। और हाँ, ये ना पार्क जो है ट्यूसडे को पूरा क्लोज रहता है, तो ट्यूसडे को मत प्लान करना आप।
ये बेसिकली बनेरघट्टा नेशनल पार्क जो है ना वो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो छोटे छोटे ना गेटेड कम्युनिटी बनाए हुए हैं। बेसिकली लायन का अलग है, टाइगर का अलग से बना रखा है, बेयर का अलग से बना रखा है ना, डियर हिरन वगैरह का अलग से बना रखा है। सो डिफरेंट जोन में ये डिवाइडेड है बेसिकली, और ताकि आपको एनिमल स्पॉट हो सो खुले में। आइए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं बटरफ्लाई पार्क कैसा है। पहले के कंपैरिजन में ना ये पार्क पूरा मतलब बहुत अच्छा हो गया है। सारी चीज़ों की अरेंजमेंट्स काफ़ी वेल प्लान्ड हो गई है। सारी चीज़ें आपको मतलब एसी सफारी बसेस मिलने लगी हैं, और वेटिंग एरिया को बहुत इम्प्रोवाइज़ किया गया है ताकि आपको ज़्यादा देर सफारी के लिए ठहरना ना पड़े। सो काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं एज़ कम्पेयर टू बिफोर। एंड अगर मान लीजिए वन डे ट्रिप का प्लान है और बैंगलोर से कहीं बाहर नहीं जाना है, तो दिस कैन बी अ गुड प्लेस टू बी एक्सप्लोर्ड, और डेफिनेटली आप यहाँ आओगे तो इन्जॉय करोगे। So many eggs. So these are all eggs. Achha. Nice. There is pupa. Achha. Oh, sorry. No. Wow. Which one is this? Common merman. Common? Merman. Okay. Okay. What is this? Indian common crow butterfly, brown white. Okay. This is a unique kind of, no? Yeah. Okay. What is the life cycle of this butterfly and how the different life cycle, madam? Okay. One butterfly, common merman butterfly life cycle only 35 days, 40 days, madam. Okay. Egg to butterfly. Adult lifetime only for 15 days, 20 days, 25 days last. Oh, that's it. They'll die after that. Die. बटरफ्लाई पार्क तो देख लिया, आइए चलते हैं अब जू के टूर्स की जू में क्या क्या है देखने को। प्लास्टिक फ्री जोन है, प्लास्टिक अगर पाए गए तो फिर आपको फाइन देना पड़ेगा यहाँ। सो हम लोग जू जा रहे हैं, तो जू का एंट्री फॉर्मेलिटीज। इन केस अगर आप बगी हायर करना चाहते हो, बड़े फैमिली हो, या स्टिल इफ यू वांट टू हायर अ बगी, यू कैन डू दैट। सो वो कॉर्नर में जो वुडन ब्लॉक दिख रहा है ना, वो इसका टिकट काउंटर है, तो आप ये बगी आराम से हायर कर सकते हो, है ना। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पार्क ना, कि आप यहाँ पे ना एनिमल्स को अडॉप्ट कर सकते हो, और जैसे मान लीजिए फॉर दैट सेक आप एक एलिफेंट या एक हिपोपोटमस आप अडॉप्ट करते हो, तो यू नो आपका नाम वो जो एनिमल का बोर्ड होता है ना उसके नीचे में आपका नाम भी एज एन अडॉप्टेड पेरेंट्स के तौर पे लिखा रहेगा। सो दैट्स द ब्यूटिफुल थिंग टू प्रमोट
adoption of animals, they have started this thing also, which is a new thing I noticed here. तो मैं यही बोल रही थी कि इन केस अगर आप ये टाइगर को अडॉप्ट किए हो ना, तो देखो उन्होंने अडॉप्ट किया है, सो दैट नेम इज मेंशन श्री अभय श्रीनिवास, सो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका. वाओ, सो ही हैज अडॉप्टेड दिस टाइगर. तो इनका खाना और वेटनरी का जो भी एक्सपेंसेस आएगा फॉर श्योर इस टाइगर का, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. So we basically spotted so many animals in zoos. So you must visit this place if you are coming for safari. Tiger वगैरह आपको सभी spot हो जाएंगे. और हाँ, in case you wish to do boating, तो same park के अंदर ही एक corner में boating का भी space बना रखा है. कुछ 60 rupees charge करते हैं and it's a decent kind of setup. You can do your boating. तो आज ना मस्त वाला मजा आया यार जू और सफारी करके, और हम निकल रहे हैं पार्क से बाहर की ओर टुवर्ड्स द पार्किंग. मेरे पार्लर में मैं आपको दिखाती हूँ. देखिए यहाँ पूरा मार्केट है मस्त वाला, सारी ईटरीज हैं, आप खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, कुछ स्नैक्स ले सकते हो, टॉयज है, फ्रूट्स है, एवरीथिंग व्हाटएवर यू नीड. सो अगर आपको हमारा ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले. डू हिट द बेल आइकन. हमें बताएं कमेंट करके अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या आप कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो, है ना. सो मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, अमेजिंग से ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय. टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ केयर ऑफ योरसेल्फ. अब मैं ढेर सारा ध्यान रखूं.